नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में विद्युत परिपथ किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी। तो देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों का चालक तारों द्वारा ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों का चालक तारों द्वारा ऐसा संयोजन, ऐसा जुड़ाव जिसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज उपयोग किया जाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। अब देखिए, डायग्राम के द्वारा आप विद्युत परिपथ को समझ सकते हैं। तो देखिए, ये है आपके सामने विद्युत परिपथ का डायग्राम। किसी विद्युत परिपथ के उपकरण अथवा अवयव निम्न होते हैं। किसी विद्युत परिपथ के इलेक्ट्रिक सर्किट के जो उपकरण ऑपरेटर्स अथवा एलिमेंट होते हैं वह निम्न होते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, ये है वोल्ट मीटर जो विभव को मापता है, ये है अमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, यह कुंजी है जिसके द्वारा विद्युत प्रवाह को हम रोक सकते हैं अथवा स्टार्ट कर सकते हैं, ये है बैटरी। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट विद्युत, ये बैटरी के द्वारा ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, या विद्युत का स्रोत कह लीजिए इसको। तो यह है विद्युत के विभिन्न उपकरण। पहला है विद्युत स्रोत, सेल, बैटरी, जनरेटर इत्यादि। विद्युत स्रोत हो सकता है सेल है, बैटरी है, जनरेटर है, ये सब क्या होते हैं, विद्युत के स्रोत हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बैटरी लगी हुई है। अगला है विद्युत मापक उपकरण। विद्युत मापक उपकरण जैसे इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ अमीटर, अभी हमने बताया कि अमीटर क्या करता है, करंट को मापता है, करंट को मापता है। और वोल्ट मीटर ये विभव को मापता है, वोल्टता को मापता है। अब देखिए, विद्युत धारा नियंत्रक कुंजी होता है, धारा नियंत्रक होता है, फ्यूज इत्यादि। तो यहाँ पर कुंजी लगी हुई है, धारा नियंत्रक फ्यूज नहीं लगा है, क्योंकि यह सरल विद्युत परिपथ का आरेख आपके सामने प्रस्तुत है। अगला है विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले यंत्र। विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले यंत्र, बल्ब है, पंखा है, हीटर है, मोटर है, फ्रिज है इत्यादि। तो ये जो है, ये आप बल्ब, पंखा, हीटर का संकेत इसी प्रकार देख सकते हैं कि हाँ, प्रतिरोध फिलहाल कहा जाता है, लेकिन आप उसको बल्ब, पंखा के द्वारा भी निर्देशित कर सकते हैं। संयोजन तार, विभिन्न उपकरणों को जोड़ने वाले तार। ये देखिए, ये जो ये है लाइन, ये तार को दर्शाता है, ठीक है, ये तार को दर्शाता है जो विभिन्न उपकरणों को जोड़ता है एक निश्चित क्रम में, उनका क्रम एक निश्चित होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस वाला जो हिस्सा है अमीटर के प्लस से, और फिर यही वाला, ये देखिए क्या है, श्रेणी क्रम में लगा, ये क्या है, समांतर क्रम में। हमेशा याद रखिए, अमीटर क्या होता है, श्रेणी क्रम में, और जो वोल्टमीटर होता है वो क्या होता है, समांतर पैरेलल क्रम में लगा रहता है, और कुंजी इस प्रकार से रहती है। तो ये है आपका सरल विद्युत परिपथ आरेख। नमस्कार।